तो अगले 24 घंटे हम गुजारने वाले हैं कतर के इस सी लाइन बीच पर। तो अगले 24 घंटे हमने यहाँ पे सरवाइव करना है, हमने यहाँ पे फूड भी अरेंज करना है, हमने यहाँ पे डेजर्ट पे गाड़ियाँ उड़ानी है, हमने यहाँ पे रहना भी है, सोना भी है, ये सब काम हमने अगले 24 घंटे में करना है और कतर के सी लाइन बीच में हमने सरवाइव करना है। भारत का जितना सामान था, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, पावर बैंक वगैरह, वो सब चीजें जो है ना हमने डाल दी है, वो भी इनको पैक करते हैं और निकलते हैं। एक ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है, दोनों गाड़ी फुल प्रोटोकॉल के साथ हम निकलेंगे। साथ वाली गाड़ी किधर गई है? वो तो निकल गया आगे ब्रो, बिल्कुल आगे निकल गई है यार। वो तो तंग कर रहा है हमें यार। ये 4x4 ये 4x4 हो गया। ये ऊँट इधर क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं इधर? माशाल्लाह इधर सारी चीजें, ऊँट भी है। 18 साल से कम उम्र बच्चों का देखना ममनू है बस। ब्रो इस पहाड़ के ऊपर नहीं, ब्रो प्लीज इसके ऊपर नहीं जाना। जैसे गाड़ी उतारने लगे ब्रो, नहीं नहीं सामान सामान लेके तो हम एक चैलेंजिंग वीडियोस बनाने जा रहे हैं। तो बंदे माशाल्लाह से हमारे पास आ गए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर? तो ये है वो भाई मैन जिन्होंने हमें मैसेज किया। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। फ्यूचर के होने वाले इंशाल्लाह बड़े व्लॉगर होंगे साले। अभी जो है ना, ये अभी ये सब हमें लेने के लिए आए, तो एक चैलेंजिंग वीडियो आज की अच्छी वीडियो होगी। वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली आज की। अच्छा तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो किधर जाना है ब्रो? इंशाल्लाह सेरेन में चलते हैं हम सईद में। इधर बिल्कुल पहाड़ का इलाका है, बिल्कुल माशाल्लाह उधर फुल मजा आएगा इंशाल्लाह। मौसम भी अच्छा है माशाल्लाह, बारिश भी आ रही है, इंशाल्लाह फुल एंजॉय करेंगे। एक ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है, दोनों गाड़ी फुल प्रोटोकॉल के साथ हम निकलेंगे। आज आवाम को क्या दिखाना है? आज हम चैलेंज 4 आवर चैलेंज इन सी लाइन बीच, चेक इट आउट विदाउट फूड विदाउट एनी फैसिलिटीज, सो चेक इट आउट। अभी शुरुआत करते हैं अपने सफर की। वीडियो जो है ना बहुत ही मजेदार होने वाली आज की। तो ये भाई हैं मोहम्मद, टिकटॉक पे रब्ता किया इन्होंने। मैं भी व्लॉगिंग करता हूँ और मुझे भी शौक है इस चीज का, और मेरे साथ बंदे नहीं है कोई बस यार, सब कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर, को शर्म आती है ना, तो सबको शर्म आती है वीडियोस बनाने के लिए। तो इन्होंने कहा यार आपके साथ हम भी करना चाहते हैं, तो दिखाएंगे कतर के जो कतर का लेवल है वो आपको दिखाएंगे। भाई इनका यूट्यूब चैनल है और ये उसमें अरबिक में वीडियो। तो आप पाकिस्तान से? जी बिल्कुल पाकिस्तान से, लेकिन और यार फिर तो आप पाकिस्तानी हो या कतरी हो, क्या कह सकते हैं आपको? हम लोग आधे पाकिस्तानी आधे कतरी हैं। एक बंदा कतर में ही पैदा हुआ है तो उसको हम पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं? नहीं मतलब हम लोग जो बिल्कुल असल है, जो हम लोग पाकिस्तानी है, लोग फखर होना चाहिए हम लोग के, हम लोग पाकिस्तानी है, ये बात हुई, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो इनके चैनल का भी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे धड़ाधड़ वीडियोस अपलोड करेंगे और वायरल जाएंगे इंशाल्लाह। सी लाइन जाते हुए रास्ता ये है, कितना टाइम लगता है सी लाइन पहुंचते हुए? इंशाल्लाह तकरीबन हम लोग को 20 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। साथ वाली गाड़ी किधर गई है? वो तो निकल गया आगे ब्रो, बिल्कुल आगे निकल गई यार। वो तो तंग कर रहा है हमें। नहीं जाएंगे अभी इसके पीछे, देखो कैसे जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ उड़ाओ गाड़ी को यार। पहले ये वाली जो गाड़ी आगे देख रहे हो ना, ये गाड़ी से निकलती थी पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं निकलती। नहीं कौन से एरिया में पहुंच गए ब्रो? ठीक है अभी तो 20 मिनट का सफर किया और पेट्रोल खत्म हो गया। नहीं पेट्रोल है, देखो ये लोग इस लोग का खत्म हो गया। अच्छा, साथ वाली गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल भराते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो पेट्रोल है लेकिन उस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, उसमें पेट्रोल शेट्रोल भराते हैं और आगे दिखाते हैं आपको, फिर आगे चलते हैं ना व्लॉगिंग के थोड़े बहुत सीन शूट करते हुए। भाई ने मेरी बातों को थोड़ा सीरियस ले लिया और मोटिवेट इतना हो गए कि यार जगह जगह कैमरा ऑन करके वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। आपने मेरी बातों को ज्यादा सीरियस ले लिया, आप तो व्लॉगिंग छोड़ ही नहीं है, वीडियो 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 बस। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका चैनल भी आगे जाएगा और हमारा भी इंशाल्लाह। पेट्रोल फुल करा के तो भी आगे निकलते हैं और आगे चलते हैं। फिर अब तो कह रहे थे कि यार ये गाड़ी ज्यादा भागती है, अभी वो फिर नहीं नजर आ रही यार। वो देखो पीछे, वो पीछे रह गई है भाई। ओ भाई 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 गाड़ी पीछे रह गई है, मुझे लगता है ब्रो ने कोई मूड शूड ऑन कर दिया, जैसे कोई फ्लाइट मूड तो नहीं है, कुछ ऐसा कोई मूड तो नहीं ऑन कर दिया यार। ये मैनुअल गाड़ी है, लैंड क्रूजर 2007 है जो ये जो गाड़ी की जो ये स्टाइल है, ये 2000 से लेकर 2007 तक ये माशाल्लाह ये जो गाड़ी लैंड क्रूजर, ये इतने जो मिडल मैंने आपको बोला है ना, ये माशाल्लाह पूरे खरीज में चलती है ये गाड़ी। कतर में बहुत ज्यादा है, कतर में जी जी बिल्कुल, ये गाड़ी में माशाल्लाह पावर भी है और ये गाड़ी रेत में चलाओ माशाल्लाह रेत में भी सही, इसकी माशाल्लाह ताकत है गाड़ी के अंदर माशाल्लाह, रेस में भी सही है माशाल्लाह, सारी चीजें माशाल्लाह सही है, मतलब किंग ऑफ रोड, किंग ऑफ डेजर्ट, किंग आवाज से बातें करती है ब्रो ये गाड़ी, और लैंड क्रूजर इसका लेवल ही अलग है। दूसरी वाली गाड़ी तो बहुत ही पीछे रह गई है ब्रो, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए यार, उनका वेट करते हैं। की लाइन के थोड़ा सा पास पहुंच गए और इधर से कोई डेजर्ट वाला सीन सीन नजर आ रहा है। आपने कहा था 20 मिनट लगते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से 20 मिनट से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं पहुंचे, आप किधर लेके जा रहे हैं हमें? शुरुआत सी लाइन के अंदर इंटर हो गए, लोग अपनी क्रूजरें लेके आए हैं उड़ाने के लिए।
हम भी उड़ाएंगे अपनी इंशाल्लाह। बाबा जी आप ही बोलो ना यार, आगे पीछे तो तेरा मुंह ही नहीं बंद हो रहा होता और आज चुप होके बैठा हुआ है। भाइयों को अपना टैलेंट दिखाओ। अलमीरा में मतलब के डेजर्ट में जाने के लिए लाजिम है कि टायर की हवा कम रखें ताकि गाड़ी बिल्कुल फंसे नहीं। तो यार एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, क्रूजर वगैरह में जब आप जाते हैं डेजर्ट वाली साइड तो टायर की हवा कम करके फिर वहाँ पे जाएं ताकि आपकी गाड़ी फंस ना सके वहाँ पे, कहीं फंस जाएगी तो फिर रोला है। इधर से यार आवाज हवा का निज़ाम करते हैं, इधर से आवाज हवा भरवाते हैं। अभी आवाज जो है ना लीक करने के लिए छोड़ दी है, अभी तो थोड़ी सी इसके मुंह में भी डाल दो। ये अलमीरा है, अलमीरा यहाँ से सी लाइन बीच के रिजॉर्ट। अभी ये डबल चालू कर रहे हैं, ये 4x4 हो गया, ये 4x4 हो गया, 4x4 हो गया। तो ये चारों टायरों का करेंगे, ये अभी दो टायर आगे वाले घूमेंगे, आगे से एक बटन है, अंदर से एक बटन है, वो चला करके इंशाल्लाह फिर गाड़ी नहीं फंसेगी। यार 4x4 कर दिया हमें तो आज तो गाड़ी उड़ानी है हमने भाई। और ये गाड़ी जो है ना आज हवा में जाएगी, हवा से बातें करेगी। निज़ाम कर दिया यार 4x4 का, डेजर्ट पे जाके गाड़ी के ऊपर से पर बाहर निकलेंगे, पंखे बाहर निकलेंगे और गाड़ी जो है ना हवा में उड़ेगी। निकलते हैं फिर आगे का सीन आपको दिखाते हैं। करो भाई ब्रो ये क्या चीज है यार, ओ भाई ओ भाई घुमाती है। ये तफरी के लिए जो लोग आते हैं बाहर वो भी शहर के अंदर जाते हैं, बिल्कुल वही आर द पीपल हु जस्ट ट्रैवल हियर ओके एज अ विजिटर, दे जस्ट गो देयर इनसाइड इन द डेजर्ट। ऑनेस्ट आई हैव नेवर सीन सच कार लाइक दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट लुक एट द टायर, ओ माय गॉड ब्रो टायर दे भाई, ये क्या पता नहीं किस चीज के टायर लगा दिए हैं यार, माशाल्लाह बहुत लुक एट दैट, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़े टायर है यार। इसका स्टीयरिंग कैसे घूमता होगा, ये तो पूरा जहाज है यार, क्या चीज बना दी यार। समझ नहीं आ रही ये चलती कैसे होगी, ये क्या चीज है, इसको चलाता कौन होगा यार, यार ये हम चलाएंगे। पहले 999 पे 999 जो है ना डायल करके रखेंगे अपने मोबाइल में इसको चलाने से पहले। डेजर्ट पे होंगे तो वहाँ बारिश लगी तो क्या करेंगे, फुल मजा आएगा अंदर बिल्कुल इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा, स्लिप वगैरह नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इस पे चलते हैं। अच्छा इसको चलाएगा कौन, आई विल ये करते हैं, आप ही जाओ हम नहीं जाते। अभी निकलते हैं यार आगे की तरफ, देखते हैं फिर आगे क्या सीन है। ये ब्रो ये ऊंट इधर क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं इधर, माशाल्लाह इधर सारी चीजें, ऊंट भी है, सगर होते हैं, एक अरबी में सगर कहते हैं, छोटा है। वो जो हाथ को बरकर रखते हैं शाहीन, शाहीन यार शाहीन पे ही चलते हैं फिर, शाहीन इधर एक काम करते हैं गाड़ी इधर ही खड़े करते हैं और 1, 3, 2, 3, 4, 5 ऊंट लेके चलते हैं, वो सही हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका, बिल्कुल डन मेरी तरफ से तो एवरीथिंग इज फाइन। उठ के बाद में देखते हैं, पहले अपनी गाड़ी पे ही रेगिस्तान में उड़ाते हैं। ये चेक करो, अगर इधर आके फोटोज फोटोज वीडियोस वीडियोस उठ के साथ आपने बनानी है तो अगली दफा जब आएंगे जगह है, इधर रोड उधर जा रही है, आप इधर किधर गाड़ी लेके जा रहे हो यार, इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह फिर उसको। यार लोग उधर जा रहे हैं, आप इधर किधर लेके जा रहे हो ब्रो, अभी अली भाई यार सीट बेल्ट बांध लो, यहाँ पे आपके साथ अभी बहुत बुरा काम होने वाला है यार, मेहनत लिया सीट बेल्ट करने के लिए, और एक हाथ फोन के ऊपर और एक हाथ पकड़ लेना यार, ये ना इधर से, ये इधर से मैं बाहर ही ना निकल जाऊँ सर रोड से, लेकिन ये कि उधर से ना चले जाएं बाहर। हम दोनों तो सीट बेल्ट लगाया, लेकिन आप लोगों का क्या होगा, दो भाई को पकड़ेंगे, हम एक दूसरे को पकड़ेंगे, इसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन भाई इधर कहीं लेके आ गए गाड़ी और आगे देखते हैं किधर लेके जाएंगे हमें। यार थोड़ा सा शीशा गंदा था, शीशे में शीशे को साफ करते हैं ताकि आपको फ्रंट से हैवी किस्म का सारा व्यू दिखा सकें क्लियर। ये अभी से ही मुझे डरा रहे हैं कि यार आगे पहाड़ियों पे लेके जाके गाड़ी इधर उधर उड़ानी है, क्या क्या होने वाला है अभी, इंशाल्लाह बिल्कुल फुल सेफ हो बेदन। पहले से ही भाइयों ने जो है ना डरा दिया, कुछ भी नहीं हो सकता, देखें वो इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए प्रोटोकॉल देने के लिए जो है हेलीकॉप्टर आ गया। फिर एक काम करते हैं यार, गाड़ी इधर ही छोड़ते हैं, इसी पे चलते हम जमीन से हवा में उड़ते जाएंगे, फिर नीचे आएंगे वो मजा करेगा, उस पे सीधा हवा में जाएंगे, आज हम गाड़ी को हवा में उड़ाएंगे, ये हम देखते हैं लैंड कर रहा है ऊपर जाने वाले हैं। जी सीन इधर का सारा, इधर ये स्लो का कैप्टर, ये देख साथ जो है ना समुंदर आ गया, एक कतर का व्यू, ये जो इधर से नीचे नहीं कर देना गाड़ी यार, ये साथ ये भाई काफी पूरी पहाड़ी के कोने पे गाड़ी चला रहे हैं यार, तो दिल जो है ना धक 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 अभी से कर रहा है, बहुत हैवी ड्राइवर है। ओ
ओए 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 भाई ओट के ऊपर ना चढ़ा देना यार। क्या बोलते हैं भाई, मैं इधर बैठ जाऊं नीचे क्यों? नीचे यार वो ऊपर भाई बोल रहे हैं सर लगेगा यार। तो ब्रो मेरे साथ क्या होगा फिर? एक और सीट बेल्ट होता तो छत वाला, यानी कि आप ऊपर ना आ जाते यार। ये चलो पहले सीट बेल्ट लगवा के आते हैं भाई। गियरों पे गियर, गियर पे गियर चेंज किए जा रहे हैं और गाड़ी जो है ना फुल घुमाते हुए। ओ भाई, ओ भाई 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 साइड पे बजाओ ना। मेरी बातों को सीरियस ले लिया शायद, बिल्कुल सीरियस हो गया। हवा में उड़ाएंगे। ये लैंड क्रूजर का लेवल देखो यार, एक लेवल देखो लैंड क्रूजर का, जहाँ भी ले जाओ इसको। ये गाइस अभी ये बिल्कुल यही बात है, देख रहे हो चालू है। ये देखें ये गाड़ी देख लीजिए भाई, आ रहे हमारे ये मोबाइल मोबाइल भी नहीं संभाला जा रहा यार। ड्रिफ्टिंग पे ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग पे ड्रिफ्टिंग। ये देख हमारे साथ की एक गाड़ी थी पीछे, किसी को आज किसी को जो है ना आगे नहीं होना छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना, ड्राइवर जो है सबको पीछे छोड़ना है। वो टाइप का ड्राइवर है, ये जहाज का ड्राइवर है बिल्कुल। ये आप जहाज पे तो नहीं सीखे? और ये देखो ये भाई आगे निकले, अभी इसको कैसे पीछे छोड़ते हैं और बताते हैं। ओ नीचे चले गया ब्रो, नीचे अभी हम भी जा रहे हैं। हेलो गियर पे गियर चेंज किए जा रहे हैं भाई। और हेलो बाबा जी कलमा पढ़ लो भाई। यहाँ पे तो शुरुआत में इतना एडवेंचर हो रहा है। भाई किधर जा रहे हो यार? इधर से नीचे गिर जाएंगे ब्रो, इधर से। यार ये किधर को साथ ये गाड़ी यार? ये देखिए गाइस हम नीचे जा रहे हैं। ओ भाई ये समझ नहीं आ रही भाई किधर लेके जा रहे हैं। दिल जो है ना धक 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 धक। ओके ओ ब्रो गाड़ी तो यार वो पीछे छोड़ दिया यार, एंड कर दिया यार, एंड कर दिया। मजा आ रहा है ब्रो, एसी भी चल रहा है फिर भी मुझे पसीने आ रहे यार। यार देख रहे हो समंदर उस तरफ है, ये समंदर है, ये समंदर है, समंदर है। गाड़ी को तो हमने पीछे छोड़ दिया, बहुत गंदा नजर आ रही है। कहां है अभी इसी जगह से बड़ी मुश्किल से बच के हम निकल गए। ये इस बाइक की आप हालत देख लेंगे, भाई को पसीने आ रहे हैं, एसी फुल चल रही है। देखिए ओ भाई रोक यार, धड़ाधड़ गियर पे गियर, गियर पे गियर मारे जा रहे भाई। ये कोई समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही हम। ब्रो ब्रो इधर से नहीं उतार रहे यार, यार ओ यार गई गाड़ी, यार गई गाड़ी यार। ये चेक करो यार, इस पहाड़ी से भी उतार दी गाड़ी यार। किंग ऑफ डेजर्ट यार, भाई भाई फिर से डरा रहे मुझे। खतरनाक होने वाला अभी भाई, ये अभी भाई बोल रहे हैं बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है। देखना अभी 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 देखना बस, वो देखें वो नीचे से गाड़ी आ रही है अभी। हम यार वो भी आ रहा है, वो तो सीधा सीधा आ रहा है इधर हमारी तरफ ही। ए साइड पे ओ भाई, ओ मैंने कहा था कि नीचे के लिए भी एक सीट था यार। ये कोई समझ, अगर कोई आदमी कह रहा है ना कि मेरा खाना हजम नहीं होता, उमर भाई से मिलवा लूं कैसे होगा? तो यार किसी भाई का काम नहीं करता ना तो ये होगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा यहाँ पर।
भाई ब्रो इधर से नहीं उतारना यार ब्रो प्लीज ब्रो प्लीज नहीं 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 एक मिनट नहीं नहीं ब्रो यार किधर से ए बिस्मिल्लाह यार वो पिछली गाड़ी भी आ रही है लेवल कर दिया यार बहुत खराब हो गया सीन यार बड़ी मुश्किल से वहां से गाड़ी उतारी है फुल जोश में आप इनके स्टीयरिंग देखे ना कि स्टीयरिंग कैसे घुमाते हैं चेक करो यार अभी नहीं जब और ये हर कोई नहीं कर सकता ये काम ये भाई टैलेंट वाले टैलेंट है 5 साल से हम लोग इधर ड्राइव कर रहे हैं 5 साल से माशाल्लाह पीछे छोड़ दिया सबको पीछे छोड़ दिया तो हमारे आगे कोई गाड़ी नहीं है सबसे आगे बोलो तो इधर आ जाओ ये चेक करो ये चेक करो बोलो ब्रो 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 के ओ भाई यार एंड कर दिया पीछे भी सलाम वालेकुम बावे घर बता के आया आज आखिरी दिन है आखिरी दफा अपने दोस्ती यारों को अलविदा कर दे बावे आज तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है इतना ही कर दे अलविदा यही कर दे कि आज के बाद भी लोग नहीं आए यार आज आज के बाद क्या होता है हमारी वीडियो देख सके या नहीं देख सके तो यार आखिरी वीडियो समझ गई वायरल कर दो यार ये क्या वो फिर से हमसे आगे हो गया ब्रो अभी इसको आगे पीछे करते हैं नहीं 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 ये रास्ता आगे सऊदीया का है ये आगे सऊदी है अभी हम लोग इंशाल्लाह जब अदे तक पहुंच जाएंगे तो हम लोग को सामने से सऊदीया नजर आएगा पूरा सऊदीया का बिल्कुल हदूद बॉर्डर देखो चेहरे पे नहीं छोड़ना आज किसी को एग्रेसिव मूड ओह माय गुडनेस क्या कर रहे हैं किस चीज का गुस्सा निकाल लो यार सारा गुस्सा इधर ही निकाल नहीं आ रहा इधर हमारा वो छूट रहा है बस छूट रहा है ये नहीं पूछ रहा कि क्या छूट रहा है ये नहीं पूछना ये चीज भाई छूट रही है पीछे चलते हुए 2-4 पेपर लेके आ ओ भाई तो भाई कर दिया यार एंड कर दिया छोटे बच्चों का देखना ममनू है ठीक है 18 साल से कम उम्र बच्चों का देखना ममनू है बस और इधर इस जगह पे आना भी ममनू है 18 साल से कम आना ममनू नहीं है लेकिन देखना ममनू है ब्रो इस पहाड़ के ऊपर नहीं ब्रो प्लीज इसके ऊपर नहीं जाना नहीं लेके जाना ठीक है ना वो भी मुझे लगता है गुस्से में आ गए अभी हमारा भी लेवल हो गया इधर ये चेक आधा अगर रेत होती है ना तो उस तरफ होनी आता है इसको पता है उसकी गाड़ी थोड़ी फंस जाएगी ना उसके अंदर डबल नहीं लगा हुआ 4x4 4x4 नहीं है उसमें तो यार हमारी गाड़ी में 4x4 है इसको जहाँ मर्जी ले जाओ तो ब्रो अगर इधर गाड़ी फंस जाए तो क्या करेंगे इंशाल्लाह ये गियर चला कर इंशाल्लाह गाड़ी निकल जाएगी आराम से इससे मुनासिब आपका क्या रिएक्शन है फट तूने जो ब्रेक नहीं लगाई और सीधा जाम के ऊपर लगाया तो मेरा सर ऊपर लगा भाई ने रिएक्शन चेक कर लिया अचानक ही गाड़ी उड़ा देते हैं ये भाई फिर से गाड़ी जो है उड़ाने के मूड में भाई फुल गुस्सा एंग्री मोड में फ्लाइट मोड को जो है ऑन करो इधर से पानी पी लेते हैं यार गाड़ी अभी रुकी है आपको गाड़ी का सीन दिखाते हैं तो ओ भाई ये क्या लेके आ गए यार ब्रो ये पानी नहीं है यार रेत है यार इधर देखो अभी कैसे स्पीड से जाएगी यार ये इसमें जो है ना स्किड करते हुए जाएंगे ओ भाई भाई सबसे पहले कौन जा रहा है तो यार ये भाई जो है ना सबसे पहले जा रहे हैं ब्रो कलमा वगैरह पढ़ लो तो यार अभी देखते हैं इसके साथ होने क्या वाला है ओ भाई मैं नहीं जाता ब्रो मैं नहीं जाता यार इधर कहीं मैं भी नहीं जाता तो फायदा नहीं है तो
ये भाई जी ने स्केटिंग खा ली है और एंड कर दिया। तो यार इसमें जी बिल्कुल एक ही सीट चलो इसमें किस तरह बस यही बैठना है वो करके तो अभी चलते हैं यार नीचे से पकड़ना नीचे से पकड़ो पहले चला यू हैव टू डू इट चला लैंड क्रूजर ही लैंड क्रूजर ही आपको इधर नजर आएगी और हर स्पेशलिटी के लोग आपको मिलेंगे अरब उसके बाद अफ्रीका अफ्रीकन्स हैं यहाँ पे यूरोप के भी काफी वो नेशनलिटीज नजर आ रही लोग सब मिल के इसको देखा देंगे 3-2-1 नहीं 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 तो मोहम्मद भाई को नीचे जाते हुए तो आप सबसे आगे थे तो यार यार जैसे वापसी आते हुए बहुत प्यास लगी जैसे गाड़ी उतारने लगे रो नहीं नहीं तो भाई इधर से उतार दिया ब्रो आपने तो नहीं जैसे उतारनी ना बिस्मिल्लाह करते हैं अभी यही तरह का तो नजारा सीन आपको सारा दिखा दिया है आगे चलते हैं और बिस्मिल्लाह अब ब्रो ये नहीं ओपन करना यार उधर हम इधर से बाहर निकल जाएंगे इधर से सीन लेते रहते भाई ने ओ भाई वो भाई पैदल उतर रहे थे इधर से स्किट कर रहे थे अभी भाई ने गाड़ी उतार दी क्योंकि किसी को भी नहीं आगे होने दिया सबको पीछे छोड़ दिया क्या हो गया तू क्यों खामोश हो गया इन जंगलों के अंदर भी इन लोगों ने एम्बुलेंस हत्या के मैं एक दिन मेरी तबीयत यहाँ खराब हो गई थी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो यार बात कर रहा मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरी थोड़ी हालत खराब हो गई थी तो मुझे बच्चे ने बताया कि आपको यहाँ पे अगर आप कहें ना तो अभी हम यहाँ पर आपके लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवा सकते हैं बिल्कुल तो यहाँ पे ये देख लें अगर आप यहाँ पर भी है ना इस वक्त देखें कुछ भी नहीं है जंगल है लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती है तो अभी ये इस तरह का सीन है सामने जो है ना सोदिया के बिल्कुल हम जो है ना करीब पहुंच गए पहले ये जगह सोदिया की थी जी पहले ये सोदिया की थी यार क्रूजरों ने जो है ऐड कर दिया फिर से मजा आया ब्रो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यार ये पानी नमकीन कैसे है क्यों है भाई ये समंदर का पानी है पानी नमकीन क्यों होता है नमकीन होता है भाई समंदर क्यों होता है मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि ये नमकीन होता है इसलिए ये नमकीन है यार उनसे तो सवाल पूछा लेकिन अब आपसे पूछते हैं यार ये पानी नमकीन क्यों होता है उर्दू में मालूम है ना आपसे पूछते हैं ये पानी है यार ये कह रहे नमकीन है यार ये नमकीन क्यों मारे उर्दू ने राजी ये पानी नमकीन क्यों है यार ये कौन सी मछली है ब्रो वेल तो नहीं है ले जा कर गाड़ियों के पास तो हम पहुंच गए दूर दूर तक यार कोई भी नहीं है दूर दूर तक रेगिस्तान के एक मिनट में खड़े हमारे पास गाड़ी है
और हम हैं पानी हमें तो अभी तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ नमकीन पानी है पीने का, सिर्फ ये पानी मेरे पास का तूफान समुंदर बारिश कुछ भी हो सकता है। तो गाइज अब देखें ये खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, रहने के लिए भी कुछ नहीं है, देखें हम कैसे सरवाइव करते हैं। घंटे तकरीबन हमने गुजार लिए हैं और अभी जो रात गुजारनी है हमने, अभी आगे का सारा सीन आपको बताते हैं। रात हो चुकी है और दूर दूर तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब 12 घंटे हमने गुजार लिए ब्रो, कैसे गुजरे? सही हवा चल रही थी मिट्टी वाली, सही देखो पूरा जिस्म को सही पूरी मिट्टी लग गई है। तूफान था कोई, हमें सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे, तो अभी जो पीने सोने के लिए कुछ भी नहीं। तो अभी जो है ना अभी रात हो गई है तो इधर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो आगे चलते हैं, अभी का इंतजाम आपको दिखाते हैं कि अगला टाइम हमने कैसे गुजारना है इधर। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, सब एक ही ट्रैक में एक ही लाइन में वापस जा रहे हैं, क्योंकि इधर वापस जाने का मुश्किल है, लोकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक दूसरे को फॉलो करके सब वापस जा रहे हैं इधर से। तो यार आधा टाइम जो है ना हमने अपने जो आज का हमारा 24 हॉर्स का था कि 24 हॉर्स हमने गुजारने हैं बीच पे, तो आधा टाइम हमने गुजार लिया था तकरीबन, और बड़ा वीआईपी किस्म का टाइम गुजारा हमने। लेकिन जो है ना रात, जैसे ही रात ज़्यादा हो गई, ज़्यादा टाइम हो गया, तो हमें दूर दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, और हवा चल रही थी, तूफान आ रहा था, हमारे पास कुछ निज़ाम नहीं था, तो हम वहाँ से वापस निकल के आ गए। तो अभी हम जो है ना मेन रोड तक पहुँच गए और हालत देखे बंदे की, रेत से पूरा रेत, अभी जाके मुँह वगैरह धोया, मुँह धोया, अभी साफ हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस सरवाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, खाना भी हमारे पास हैंड हो गया था, और वहाँ पे रेत का तूफान इतना था, हवा बहुत तेज थी। सरवाइव करने का कहा हमने, कहा स्टे करेंगे नाइट, मगर बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए स्टे करना, तो इसलिए फिर हमने प्लान बनाया वापसी का। जो हवा इधर से निकलवाई थी, तो वो हवा भी जो है ना दोबारा से डलवा रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान में तो चलना आसान था इसके लिए, लेकिन रोड पे चलना मुश्किल है। तो टर्बो भी जो है ना भाई ने जो इधर से ऑन किया था 4x4, वो भी भाई ने बंद कर दिया, तो अभी हम निकलते हैं वापस। तो यार सारे सीन आपको दिखाए हमने, सी लाइन बीच पे क्या क्या स्केटिंग वगैरह सारे सीन बताए, तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली जो है ना अपनी जगह पर पहुँच गए, और कैसे लगा अली भाई सी लाइन? यार कमाल हो गया, कमाल हो गया, तो मजा आ गया यार। तो बाबा जी भाई मजा बहुत आया, थक भी गए अभी इस टाइम, बिल्कुल टाइट हुए, मसाज हो गई, मसाज हो गई। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह, और आगे प्रैंक की जो हमने प्लान किया हुआ है, अभी आप बिता लो, अभी से बिता लो अली भाई। तो आगे जो हमने एक प्लान बनाया कि हम प्रैंक वगैरह की भी वीडियोस शूट करेंगे, प्रैंक करेंगे इधर कतर में इंशाल्लाह, भाई के साथ मिलके इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह प्रैंक, इंशाल्लाह बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगा, सबका सपोर्ट मिलेगा इंशाल्लाह, मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।